اجيت شات لن يضروكم الا أذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون وضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه

तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे फिर उन्हें कोई मदद भी नहीं पहुंचेगी। वो जहाँ कहीं पाए जाएं, उन पर जिल्लत का ठप्पा लगा दिया गया है इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई सबब पैदा हो जाए या इंसानों की तरफ़ से कोई दरिया निकल आए जो उनको सहारा दे दे कार वो अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे हैं और उन पर मुहताजी मुसलत कर दी गई है उसकी वजह यह है कि वह अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते थे नीज़ इसकी वजह यह है कि वह नाफ़रमानी करते थे और सारी हदें फलांग जाया करते थे इन दो आयतों में से पहली आयत में अल्लाह तबारक व तारा ने मुसलमानों को ये तसली दी है कि अगरचे उनके ज़माने में जो यहूदी ख़ास तौर पर मदीना तयबा के अंदर या उसके आसपास आबाद थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनते रहते थे तो अल्लाह तबारक वाली ये तसली दे रहे हैं कि मुसलमानों नई यदरू गुम हरगिज़ तुम्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे इल्ला अजा मगर थोड़ा बहुत सताने का यानी थोड़ा बहुत सताते तो रहेंगे लेकिन इनके इन साजिशों से कोई तुम्हें बड़ा नुकसान नहीं पहुँचेगा वातिलुकम और अगर ये तुमसे लड़ेंगे भी तो अदबार तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे यानी शक्स खाएंगे और राह फरार इख्तियार करेंगे सुम मलायसरून फिर उन्हें कोई मदद भी नहीं पहुँचेगी तो अल्लाह तबारक वाले ने यह पेशिनगोई फरमा दी कि इनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी और अगर कभी इनके साथ मुकाबला हुआ भी तो ये राह फरार इख्तियार करेंगे चुनाचे मतदद मवाक़े पर ये वाक़ इसी तरह पेश आया कि बनो क्रैज़ा के साथ जब लड़ाई हुई उनकी शिकनी की वजह से तो उस वक्त भी उन्होंने शकस खाई और फिर खैबर की जंग हुई तो उस खैबर की जंग में भी उन्होंने शक्कस खाई दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तार ने फरमाया किबत अम्ल् इन पर ज़िल्लत का ठप्पा लगा दिया गया है अमासल्कीफू वो जहां भी कहीं पाए जाए इस आयत का जो आम तौर से मतलब समझा गया है और बेशतर मुफसरीन ने उसी को इख्तियार किया है वो ये कि यहूदी लोग जिन्होंने नबी करीम सरवर आलम सलीम की रसालत का इनकार किया ये दुनिया में अमूमी तौर पर जिलत के साथ रहेंगे इन पर ज़िलत का ठप्पा लगा दिया गया है इन जिलत के साथ रहेंगे और जहाँ कहीं होंगे जिलत के साथ रहेंगे लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व ताली ने दो मुस्तना चीज़ें जिक्र करती हैं फरमाया कि बिहल मुनवा अल्लाह कि अल्लाह की तरफ़ से कोई सबब पैदा हो जाए वह हबल मिननास या इंसानों की तरफ़ से कोई दरिया निकल आए हबल का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया है इसके लफ्ज़ माना तो रस्सी के होते हैं और किसी भी सबब या जरिए को भी हबल कहा जाता है और जैसा पहले भी अर्ज़ किया था कि कोई माहदा किया जाए तो उसको भी अरबी ज़बान में ब हबल के नाम से ताबी किया जाता है तो अल्लाह तबारक व ताल ने इस आयत करीमा में ये बताया है कि यहूदी मजहब वाले जो नबी तो करीम सल्लल्लाहु अलैहि वम की रसालत से मुनकिर हैं और नब़ करीम वसल्लम की दुश्मनी पर आमदा हैं वो दुनिया में ूमी तौर पर जिल्लत का शिकार रहेंगे उनकी तारीख़ में उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा अलबत् दो सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें जिल्लत ज़ाहरी तौर पर उनकी ख़त्म हो जाए एक तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि कोई सबब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ़ से पैदा हो जाए यानी अल्लाह ताला की मशीयत ही किसी वक्त इस बात का फ़ैसला कर ले कि इनको इस ख़ास वक्त में इस जिल्लत से नजात देनी है या इस ज़ल्लत से अलग रखना है एक तो ये हो सकता है और अल्लाह तबारक है किसी वक्त किसी अपनी मशीयत से अपनी हमत के तकाज़े से इस बात का फ़ैसला कर ले कि इस वक्त में इनको ज़िलत का सामना न करना पड़े और दूसरे वहबिलनास दूसरे यह है कि इंसानों की तरफ़ से कोई ज़रिया निकल आए यानि इंसानों के साथ कोई माह इनका हो जाए और उस माहे की वजह से उनके सहारे ये इज्जत और शौकत हासिल कर लें तो ये बात हो सकती है आर्जी तौर पर लेकिन बहसत मजमू अगर इनको देखा जाएगा तो इन पर जिल्लत का ठप्पा लगा दिया गया है इस वक्त यहूदियों की जो रियासत कायम है इसराइल के नाम से तो उसके बारे में भी ये जो क़ुरान फरमाया कि लिए हबल मन्नास लोगों से गुजरिया पैदा हो जाए इसकी बाद लोगों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसमें मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं बल्कि लोगों का लफ्ज़ और लोगों में मुसलमान भी दाखिल हैं कि किसी और मुसलमानों के साथ कोई माहा हो जाए और दूसरे गैर मुस्लिम भी दाखिल हैं कि जो इनकी पुष्ट पनाई के लिए खड़े हो जाएं चुनाच आज कल जो इसराइल की रियासत है उसकी पुष्ट पनाही में अमरीका और और बरतानिया और मगरबी ताकतें उनकी पुष्प पर खड़ी हैं उसी के सहारे ये हुकूमत क़ायम हुई है और इसने बज़ाहिर अपने तौर पर शौकत और इज्जत हासिल की है लेकिन ये कुरान करीम के इरशाद के मुताबिक उनकी तारीख़ के अंदर एक इसना की रखती है और इसे स्तना का ऐलान कुरान करीम ने पहले ही फरमा दिया लेकिन आगे फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर तो ये हो सकता है लेकिन आलम ये वबाऊब गिनल्ला ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे हैं और गर्बत अल हलमस्कना और उन पर महताजी मुसलत कर दी गई है अब मोहताजी दो तरह की हो सकती है एक तो ये कि फ़्रो फाके का शिकार हों और उसकी बिना पर मोहताजी इनके ऊपर मुसलत हो और तारीख में ऐसे बहुत से दौर गुज़रे हैं जिनके जिन में ये फ़क्र फाक़े का शिकार रहे दूसरे मोहताजी यह है कि अपने वजूद के लिए और अपने इज्तमाही मफाद के लिए यह किसी दूसरी कौम के महताज हों और उसके एहतियात पूरी करते हुए दूसरी कौमें इनको सहारा दे रही होंगे और कोई जाहरी तौर पर इज़्ज़त शौकत मिली है तो वो किसी दूसरी कौम के महताज होकर मिली है और दूसरी कौमों ने उनकी इमदाद की है ये क्यों हुआ अल्लाह त फरमाते हैं कि ज़ालिका बेना हम कानू यकफ़रूनबी आयातल इसकी वजह यह है कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे वह यकतुल्बिया अब गैर हक़ और पैगम्बरों को ना हक कत्ल करते थे ये जाहिर है कि जो यहूदी नजूर कुरान के वक्त मौजूद थे उन्होंने तो किसी पैगम्बर को कत्ल नहीं किया था लेकिन उनकी तारीख़ में बनी इसराइल की तारीख़ में ऐसे बहुत से वाक़ हैं कि जब उनके पास अम्बिया कराम मबूस हुए और उन्होंने उनकी गलत कारीयों की बिना पर उनको समझाया कि तुम इन गलत कारीयों से बाज आ जाओ हिदायत का रास्ता इख्तियार करो तो उन्होंने बजाय उनकी बात मानने के उनको कत्ल कर दिया था और ख़ुद बाइबिल में ऐसे वाक़ात मौजूद हैं बाइल के आज कदीम में कि जिसमें बनी इसराइल की तरफ से अम्बिया को कत्ल करने के बहुत से वाक़ात ज़िक्र किए गए हैं तो ये पुराने बनी इसराइल ने ऐसा किया था और चूँकि यहूदी जो रसूल करीम सल वम के ज़माने में मौजूद थे वो उनके इस तर्ज अमल पर कोई नकीर नहीं करते थे बल्कि गोया उन्होंने उनकी उस तर, उनके इस तरज अमल को सही समझा हुआ था इस वास्ते इस कत्ल की नस्बत भी उनकी तरफ़ की गई है कि जब आदमी कोई किसी दूसरे के जुर्म पर राज़ी होता है या उसकी तइद करता है तो वो भी जुर्म में बराबर का शरीक होता है इसी तरह यहाँ पर ये लोग अम्बिया के राम के कत्ल में इसलिए शरीक हैं कि अपने असलाफ जिन्होंने अम्बिया को कत्ल किया उन इन्होंने कोई बारत का इजहार नहीं किया उनसे इन्होंने अपनी अलहदगी का इजहार नहीं किया बल्कि उनके कौल फेल की तइद करते रहे इस वास्ते इनको भी उसी का मुजरम करार दिया गया है यहीं से ये बात मालूम होती है कि कुरान करीम के निगाह में जिस तरह जुर्म का अरतिक करने वाला मुजरम होता है उसी तरह उस जुर्म के अरतब पर जो शख्स राज़ी हो चाहे उसने बराह रास्त व जुर्म का अरतिक न किया हो लेकिन उस पर राज़ी हो उस पर खुश हो तो वो भी अल्लाह तबारक व ताल के नज़दीक वो भी मुजरम है क्योंकि बुराई को कम से कम बुराई तो समझना चाहिए अगरचे आदमी खुद उसका इरतकब न कर रहा हो लेकिन अगर उस बुराई को वो जायज़ समझता है या उसको दुरुस्त समझता है तो वो भी अल्लाह तबारक व तै के यहाँ बराबर का मुजरिम है फिर आगे फरमाया मस हो ये इसकी वजह यह है कि वह नाफरमानी करते थे मालूम कि असल रोग नाफ़रमानी का है कि अल्लाह तबारक व तालकम आ जाए अल्लाह के पैगम्बर का हुक्म आ जाए तो उसको न मानना या उसके खिलाफ अपना तर्जमल अख्तीयार करना यह एसीआन है नाफरमानी है वह कानून यातदून और वो सारी हदें फलांग जाया करते थे यानी इस नाफरमानी में किसी हद पर कायम नहीं रहते थे बल्कि तमाम हदों से गुजर जाते थे